दादाजी ये आप क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा मैं अपनी पेंशन बुक ढूंढ रहा हूँ। पिछले 20 दिनों से मैं यहाँ धक्के खा रहा हूँ। आप लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे यहाँ से भगा देते हो। रोज एक नया बहाना, रोज एक नई तारीख। इसका मतलब इन्होंने बोल दिया कि ये पांडे है तो है। इसमें साबित क्या हुआ? ऐसा झूठा गवाही देगा ना तुम जेल का अंदर जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मैंने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, नहीं तो ये मुंह में लोग मेरे नाम के आगे भी जीते जी लगा देते। दैया रे दैया, हमरे ही पैसों के खातिर हमको ही नया जन्म लेना पड़ता है। हे रे बंसी वाले, ये कलयुग है ये छलयुग। मुझे तो लगता है कि पांडे अंकल की पेंशन वापस लेने के लिए हम गर्ल्स को ही कुछ खाना चाहिए। अरे हम गर्ल्स को ही कुछ करना चाहिए। बेचारे पांडे भाई की पेंशन जिसने रोकी है ना, उन लोगों को थोड़ा टेंशन तो देना ही पड़ेगा। क्या बोलते हो लेडीज लोग? गर्ल्स लोग, गर्ल्स लोग, तो बोलो मेरे साथ, जय वुमन पावर। देखो भाई सूखा बाग, गबरे सूखा बाग नहीं शान बाग। पांडे जी पहले तुम एक बाड़ूती गवाह को लेके आया, उतना कम था, अभी दो दो को लेके आया, क्यों? और बाबा अभी तुम दोनों साबित करो कि ये पांडे जी है। और देखो शानबाग जी, ये हमारी सोसाइटी में पिछले 7 साल से रह रहे हैं। इनके नाम पर रजिस्टर्ड फ्लैट है हमारी सोसाइटी में। ये देखो शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी। अरे इसको क्या देखने का, ये 7 साल पहले का बात है ना, अभी का बात करो अभी का। ये आज का तारीख ये जिंदा है क्या? अच्छा हमारा पास एक होली का वीडियो है जिसमें हमारा पांडे जी हम सब लोगों के साथ नाचा था। पांडे जी गाना भी गाया था, नाचा भी था, गाया भी था। दिखाती हाँ, अभी दिखा दो। ये देखिए ये पांडे जी। वाह मस्त नाचता है काका। अरे ये बाड़ूती भी है। किसने किसने मारा हमारे पांडे जी को? हाँ मेरे को नाम बताओ। आई शपथ सोड़ा पी दौड़ा दौड़ा के ऐसा मारेगी मैं आगे याद रखेगा। हाँ मेरे बंसी वाले तनिक अपना सुदर्शन चक्र यहाँ भेज दो, हम उन सब का सर काट देंगे जिन्होंने पांडे जी की जीते जी हत्या की है। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। और पांडे जी को हमने नहीं मारा, पांडे जी खुद ब खुद मर गए। कॉन्फर्म हुआ ना हमारा पांडे जी हमारा सोसाइटी का रजिस्टर्ड सदस्य है। ऐसा वीडियो मोबाइल के ऊपर 10 देखने को मिलता है। मेरे को एक दिन का टाइम दे, इसका डुप्लीकेट को लेके मैं सब 20 वीडियो क्लिप निकालता है। और मुद्दे का बात ये है कि ये होली का बात है, अभी का क्या? अरे बाबा तुम लोग एक बात साबित करो कि ये अब भी जिंदा है क्या? अरे पांडे जी आपका जो फैमिली डॉक्टर है ना उसको यहाँ ले आते हैं, सूखा बाग के सामने। अरे हाँ हाँ शान बाग के सामने। और इनके सामने ही आपके जिंदा होने का सर्टिफिकेट उसे लिखवा लेते हैं, वो तो आपको बहुत सालों से जानता है नहीं? ओ टोडरमोल जी हम क्या आइडिया लगाता है, हम तो ये बोलता है जैसे अपना सोसाइटी में दूध वाला आता है, पेपर वाला आता है, झाड़ू वाला आता है, और अपना क्या कहने को वो सब्जी वाला भी तो आता है ना, और सब लोग रोज ही पांडे जी को जिंदा देखता है, कुछ आपको इधर ले आता है। ना ना मैं क्या बोल रहा हूँ शानबाग जी, इससे बेटर इनको जिंदा साबित करने का आपके पास कोई तरीका हो तो बताओ। ये मैं क्या इधर सब मरे लोग को जिंदा करने का ठेका लेके बैठा है क्या?
देखो भाई शानबाग। अरे शानबाग नहीं सूखाबाग, मेरा मतलब है शानबाग। अरे ये फाइल चीख चीख के बोलता है कि पांडे जी मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। अभी देखो मेरा ज्यादा डोका खाने का नहीं, पारे ना बहुत मरेले लोग का लाइन लगे लाए। चलो निकलो इधर से, निकलो अभी। हेलो दुखा बाग बोलता है, शानबाग बोलता है बाबा शानबाग। क्यूज मे, आप पांडे अंकल के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल लीजिए, पर अगर आप उनको मरा हुआ बताएंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तो रोज मैं पांडे जी के घर झाड़ू पोछा मारने जाती, अभी कल की जो बात, वो बराबर झाड़ू पोछा नहीं मारा मैंने तो उन्होंने मेरे को डांटा और आप बोलते हैं कि वो मर गए। अरे झाड़ू पोछा तुमने कल मारा था ना, हो सकता है पांडे जी पिछली रात को ही मर गए हो। अयो स्टॉप। अब तो पांडे जी को सिर्फ भगवान जी जिंदा कर। शाबाश। अरे भाई वो भगवान का पता बता दो तो हम उस भगवान के पास चले जाते हैं पांडे जी को जिंदा करने। वो भगवान का नाम मणिदेव होती, मणिदेव का प्रसाद आप सब को चढ़ाते फिर दे पांडे जी कैसा जिंदा उठ जाते। शनि देव का मंदिर तो हमें पता है, ये मणिदेव का मंदिर कहाँ है? ओ पांडे दादा, ये मणिदेव का मंदिर हमको लगता है ये मणिपुर में होगा। अरे भाई मैं समझ गया, आप लोग चलो मैं जरा पता करके आता हूँ। भाई व्हाट ए इडियट, मेरे को ये बताओ कि मणिदेव पे कितना चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारे पांडे जी जिंदा हो जावे। देखो सर, अब पांडे जी को मंथली 15-20,000 का पेंशन मिलेगी, 15-20 इयर्स तक का मिलेगी, 15-20 लाख मिलेगी, 20 लाख मिलेगा ना? उसका 10% ओनली, 10% यानी 2 लाख रुपया, ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा नहीं हो सकता है? फिर आप एक काम करो, वो जो पांडे जी की फोटो पे श्रद्धांजलि का हार लटका है उसको लटके रहने। भाई कमाल है, एक जिंदा आदमी को जिंदा करने के लिए 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपए? हाँ। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास 26,000 रुपए हैं और डैडी से छुपा कर सेव किए थे, वो मैं अंकल जी को दे दूंगी और पांडे अंकल फिर से जिंदा हो जाएंगे। ओ हेमा बेटा, हमारा पांडे जी तो एकदम सामने जिंदा बैठा है, कौन बोलता वो मर गया है? देखो बिशोर भाई, पांडे भाई भले ही जिंदा हो लेकिन हम उनको हरगिज मरने नहीं दे सकते, उसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल भाई, देखो इस समय ना मेरी जेब में ये 2,000 रुपए है, तो यहीं से कंट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। मेरे को भी ना पांडे जी ने आज ही पगार दिया, वो पगार में से ये 2,000 मेरा कंट्रीब्यूशन। अरे वाह वाह वाह, मेरे को ना आज ही अचार पापड़ का पैसा आया, निकला, मैं आपको देती हूँ 3,700 रुपया। मेरे रिक्शा के लिए रखती हूँ। अरे भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं? देखिए मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी पेंशन डूबती है तो डूबने दीजिए, लेकिन मैं आप लोगों को उन निकम्मों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखना चाहता। मेरे बाजुओं में अभी इतनी ताकत है कि मैं अपने परिवार को आराम से चला सकता हूँ, दूध दही खिला सकता हूँ, इसलिए न मैं रिश्वत दूंगा और न ही आप लोगों को किसी को देने दूंगा, क्योंकि रिश्वत लेना और देना दोनों ही जुर्म होते हैं। पांडे जी ये तो आप 100% सही बात बोले हैं, तो का है कि हमरी जो मेहनत और पसीने की कमाई है उसको हम ही घूस और अफसरों को काहे दें? मेरे पास
बाहर निकाल दिया है। इधर आओ, इधर आओ। लगता है ज्यादा हिंदी पिक्चर देख देख के तुम्हारा दिमाग खराब। तुम लोग अगर पूरा नंगा भी हो जाएगी ना तब भी पांडे जी जिंदा नहीं होने वाली। पांडे जी को जिंदा करना है तो मैं जो बोली उस पे अमल कर। अरे तुम एक काम करो, वो तुम्हारा साहब है ना शानबाग, उसको बोलो आंदोलनकारी आए हैं। शानबाग साहब आपका ये सारा पिक्चर अंदर बैठ के सीसीटीवी कैमरा पे देख। वही मेरे को यहाँ भेज माई जाती जय मनी देव। आइडिया, मैं क्या बोलती हूँ कि जब तक पांडे भाई की पेंशन नहीं मिलती ना तब तक मैं अपने पापड़ अचार की दुकान इस ऑफिस में ही खोल लेती हूँ। एकदम सही बोला मैडम जी, मैं भी ना इधर ही जैसे झाड़ू पोछा लगा के ये सरकारी बाबू लोगों की नाक में दम करेगी। आइडिया तो एकदम ब्रिलियंट है, हम भी यही प्लान कर रहा है। हम सब लोग ये हैप्पी होम सोसाइटी वाला लोग सब इधर ही ऑफिस में विभिन्न प्रकार का दुकान लगा देता है। और उससे जो रोज रोज पैसा आएगा वो जो अपना क्या शानबाग है ना उस बच्चा को थोड़ा थोड़ा बिक्री में पैसा दे देंगे। और साथ में हम शानबाग को खेतवाल स्टोन का ग्रीटिंग भी भेजेंगे। ओ ले लो ले लो। ये गर्मा गर्म समोसे जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी पांडे जी की पेंशन चालू। समोसे लेके जाओ और शानबाग को खिलाओ, उसको बोल तेरी माथी ब्रेस्ट हो गई है इससे ठीक हो जाए। चलो चलो ये पान भी दे दो, एक पान और खा लेगा तो माथा खुल जाएगा एकदम। अरे बबली इधर आओ, वो शानबाग है ना ये उसको देना बोलना तुम्हारे पोते पोती के लिए। ए बेन, ए माही, आया आया आखने अथाणु छे ई शानबाग सर ने एम के जो के जीभ पर लगा देते तो उसका जो बोलने का है ना वो मीठा मीठा हो जाएगा है। और तुम्हारे भर को भी देना दाल भात के साथ। ओ ले लो ले लो ले लो के लो कौन आ रहा है। और ले क्या बात है, मतलब तुम्हारा पांडे साहब एकदम जिंदा हो गया? नहीं जिंदा ही है, मुंह मीठा करना पड़ेगा। मुंह मीठा करो शाबाश। मोर पांडे जी मोड़ा नहीं है। अभी जिंदा है, मस्त मस्त लगा मेरे को तुम्हारा ये पांडेगिरी अच्छा है। लेकिन एक बात तुम लोग सब समझ ले हो, ये पांडेगिरी का मेरे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। अब मैं क्या बोलता है सूखा बाग? अरे सूखा बाग नहीं, ओए सूखा बाग वही तो बोला। अरे मतलब शान बाग। ले लो ले। ये 12 सुन, जनता का ये कहना है एकजुट होकर कि पांडे जी अगर जिंदा होंगे तो आज ही होंगे।
ये 12 सून ये कवा आजारी चला मेरे को कौन सा बीमारी लग गया बाबा इतना सारा कार्ड दिया ये फूल किधर से लेके आया सब पान ये खा लेते इतने सुन कौन सा बीमारी लगा मेरे को मेरा डॉक्टर तो मेरे को बोला था कि सब कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल सब बराबर है ये भी गेट वेल सुन इतना आदमी को मार डालेगा ये लोग वही चिड़के लाए वो भी कोई का मेरे को गेट वेल सुन ओ सर ठीक है साहब पर साहब ये नेताजी को भी आज ही स्पेशल चेकिंग को आने का था अरे ये लोग किधर रह गया ये नायडू ते विचारेला बोलाओ किधर रह गया तुम लोग अरे बहुत बड़ा टेंशन हो गया नेताजी स्पेशल चेकिंग को आते कब दो घंटे के बाद अरे बाप रे दो घंटे के बाद नेताजी आ रहे फिर तो वो बाहर पांडे जी वाला झमेला भी देख लेंगे सर आप बोलो तो मैं 10-12 लोगों को लेके उनको भगा दे ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं वैसे भी मेरा जान आधा इधर फसला अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देखता है यार विचारो विचारो कुछ सोचो सोचो साहब इनकी बात मानेंगे तो पांडे जी का पैसा कहाँ से देंगे वो तो हम सब मिलके खा चुके हैं साहब मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा हम जानो गेट आउट निकल तुम गेट आउट अरे तुम लोग नहीं रे बाबा तुम लोग को नहीं बोलता है तुम लोग रुको नहीं नहीं रुक के क्या करेंगे तुम लोग जाओ मेरे को सोचना पड़ेगा जाओ जाओ सर पानी पी लो गंगा जड़लाल मेरे मुंह में पानी देता है मेरे को पांडे जी तुम्हारा जिंदगी हम लोग के लिए बहुत कीमती है और हम लोगों के होते हुए आप कैसा मर सकते है सर आपको जिंदा रखने के एक से बढ़कर एक आप लाते हो आइडिया वो भी फ्री में पांडे जी पिछले दिनों हमारे पास आप ही के जैसा एक केस आया था जैसे हमने वो केस सॉल्व किया है वैसे ही आपका केस भी सॉल्व कर देंगे बहुत जल्दी से साहब आपकी पेंशन आपका जन्मसिद्ध हक है उसे आपसे कौन छीन सकता है बस आज आप लोग घर चले जाइए हम जल्द से जल्द आपका पेंशन आपको दिलवा देंगे देखो जी हमारे यहाँ जनता की जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है और इस जनता का ये कहना है एकजुट होकर कि पांडे जी अगर जिंदा होंगे तो आज ही होंगे क्योंकि आज का दिन शुभ है हैप्पी बर्थडे पांडे जी पांडे जी के नए जानों का केक आज ही कटेगा और वो भी शानबाग साहब के हाथों से और अगर ऐसा नहीं हुआ ने तो फिर तो नेताजी आए नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद जय हिंद साहेब मंजिल लवकर आना आप तो दो घंटे बाद आने वाले थे ना अरे भाई हम नेता जरा दूजे किस्म के हैं अबे घनचक्कर अगर हम दो घंटे के बाद आते तो हमारा ये विजिट सरप्राइज विजिट कैसे रहता किसने रखा तू ये नौकरी पे बाम बाम क्या ये सब अभी मैं क्या बोलूं नेताजी ये क्या है जिंदा आदमी को जिंदा बनाने के लिए 2,00,000 रुपया मांग रहे हमारे से हे भगवान ऐसा सिस्टम है ये क्या एक जिंदा आदमी को जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ता है
नेताजी, हमारी तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि प्रमाण देने के बाद भी आम आदमी अपने आप को जिंदा साबित नहीं कर सकता। बड़े शर्म की बात है। तुम सबको यहाँ पर पब्लिक की सेवा करने के लिए रखा गया है और तुम्हें तनख्वाह भी इसी काम की मिलती है, लेकिन तुम सब इतने भ्रष्ट हो चुके हो कि तुम्हें बेईमानी और काम चोरी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो तो सुन है साहब, मैं इनका पेंशन आज ही दे देता है। शट अप, चुप चुप एकदम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक बुढ़े आदमी के बुढ़ापे के सहारे के समान उसकी फाइल को आप कच्चे आम ढकने और उसे सुखाने काम में लाते हो। मेरे जिंदा होने का प्रमाण तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। मेरे जीते जी आप मेरा डेथ सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए। बुढ़ापे के सहारे के समान उसकी फाइल को आप कच्चे आम ढकने और उसे सुखाने काम में लाते हो। मत भूलो, जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी तो तुम्हारे इस बेईमान जमीन को ढकने के लिए कोई नहीं आएगा। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। नेताजी, आपसे एक गुजारिश है, मेरे जिंदा होने का प्रमाण तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। मेरे जीते जी आप मेरा डेथ सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए ताकि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वालों को डेथ सर्टिफिकेट के लिए खर्च ना करना पड़े। ये कैसी बातें कर रहे हैं पांडे जी? आप सीनियर सिटीजन, इस देश की आन पान और सम्मान है, बल्कि इस देश का हर नागरिक देश के लिए अनमोल नगीना है। प्लीज प्लीज आप ऐसी बातें कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आपकी पेंशन आपको आज ही मिलेगी, बल्कि अभी मिलेगी। मिस्टर शानबाग, मुझे साहब फाइल रेडी है, मैंने साइन भी कर दिया है, बस अभी 2 घंटे का अंदर उनका अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। मुझे अब तक तो हो भी गया होगा, नहीं यार? हो गया सर। ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम लोगों पर एक्शन नहीं लूंगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। भ्रष्टाचार भी गंदगी की तरह इस देश के भ्रष्ट अधिकारियों के जमीर के कोने कोने में फैल चुका है। जिस प्रकार हमने स्वच्छता अभियान शुरू करके गंदगी को मात देनी शुरू कर दी है, ठीक उसी प्रकार इस देश के नागरिकों को भ्रष्टाचार रूपी गंदगी को साफ करने के लिए अपने हाथों में ईमानदारी रूपी झाड़ू पकड़नी होगी। ना तो किसी से रिश्वत लेनी होगी और ना ही किसी को रिश्वत देनी होगी। और अगर ऐसा हो गया तो इस देश का हर होम हैप्पी होम्स कहलाएगा। जय हिंद, जय हिंद। आप अपना नाम बता दो, हम उनको बता देंगे। दारू वाला से कहना शिरिन आई थी। ठीक से कह दूंगा। शिरिन, अरे आप क्या बड़ा, जोर से सुनो, शिरिन जी आई है। शिरिन जी आई है ना, तो हम उनके सामने एकदम टिप टॉप दिखना चाहते हैं। दारू वाला जैसे अच्छे दिल वाला इंसान इस दुनिया में बहुत कम मिलता है।